नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वास्थ्य विभाग की एक और सरकारी भर्ती की जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। न्यूज़पेपर के माध्यम से एक बार फिर से भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी हो चुका है। बिल्कुल, आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या और देखिए NHM भर्ती यहाँ पर रहेगी, लिखा हुआ है NHM और यहाँ पर देखिए पूरा विज्ञापन जो है यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। लिखा है जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति और देखिए नारनौल और जिला महेंद्रगढ़ द्वारा ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। और देखिए बताना चाहता हूँ, टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है और इंटरव्यू आपका यहाँ पर लिया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और देखिए BSc नर्सिंग GNM वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे और देखिए डी फार्मा और बी फार्मा वाले कैंडिडेट हैं तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी लोग यहाँ पर प्राप्त कर लें। देखिए लिखा हुआ है जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति नारनौल जिला महेंद्रगढ़ संविधा आधार पर या 31 मार्च 2021 की शुरुआत तक NHM हरियाणा आरोपी 2020 से 2021 में प्राप्त अनुमोदन अनुसार जो भी पहले के लिए जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में निम्नलिखित पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो देखिए ये वैकेंसी जो है हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। NHM यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पर रहेगा और BSc नर्सिंग GNM डी फार्मेसी और देखिए बी फार्मेसी वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अब बढ़ जाते हैं अपनी वैकेंसी टेबल की ओर। तो देखिए वैकेंसी टेबल में जो यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर जो शामिल की गई है, लिखा हुआ है आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन और देखिए एम्बुलेंस हेतु ये पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। कहने वाली बात है एम्बुलेंस में जो यहाँ पे देखिए इमरजेंसी पे जो टेक्नीशियन यहाँ पे वर्क करते हैं उनके लिए ये पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। कुल मिलाकर देखिए 17 पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जिसमें से देखिए अंडे तरफ के 11 पद हैं और देखिए यहाँ पे देखिए टोटल जो है 7 वैकेंसी जो अंडे तरफ के लिए है। भूतपूर्व सैनिक के यहाँ पे देखिए 2 पद हैं, EWS के यहाँ पे 2 पद हैं और देखिए SC के यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं और देखिए बैकवर्ड क्लास के यहाँ पे कुल मिलाकर 3 पद यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इंटरव्यू आपका यहाँ पे लिया जाएगा, तो देखिए इंटरव्यू की तारीख भी आप सभी लोग यहाँ पे देख लें, 7 अक्टूबर 2020 इस डेट पर जाके आप सभी लोग यहाँ पे अपना इंटरव्यू देंगे। दोस्तों देखिए आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियली आपको यहाँ पे दे दी गई है वेबसाइट पे, आप सभी लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म जो है आप सभी लोग यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए आप लोगों को यहाँ पे लास्ट डेट दी जा रही है 30 सितंबर 2020 शाम के 5 बजे तक का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है और देखिए आप लोगों को लास्ट डेट रहेगी अंतिम तिथि। और देखिए सिविल सर्जन नारनौल के कार्यालय में जाके आप सभी लोग यहाँ पे आवेदन फॉर्म यहाँ पे जमा करेंगे। पूरी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो पब्लिश की गई है सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जो है जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति नारनौल जिला महेंद्रगढ़ और देखिए हरियाणा सरकार द्वारा ये पूरा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को क्वालिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसके लिए जो है मैं आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की ओर आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। इसके लिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर भी भर्ती विज्ञापन है वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है, मात्र जो है आप सभी लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लें, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो देखिए टेक्नीशियन की पोस्ट है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया और देखिए एम्बुलेंस के अंतर्गत आपको यहाँ पे कार्य करने का आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा और देखिए 17 पद यहाँ पे शामिल किए हैं, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे जानकारी दे चुका हूँ। क्वालिफिकेशन आप सभी लोग यहाँ पे देख लें, बी फार्मेसी डी फार्मेसी GNM और देखिए BSc नर्सिंग वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करें और देखिए हिंदी यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा जो है दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में जो है 10वीं क्लास में होना आपका यहाँ पे जरूरी है और ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी। और देखिए 5200 रुपये से लेकर 20200 रुपये जो है आपको यहाँ पर मंथ बेसिस पे सैलरी दी जाएगी और देखिए 2800 रुपये का जो है आपको यहाँ पे ग्रेड पे भी मिलने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ और पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को अपडेट यहाँ पे समझ में आ गया होगा और जो है आप लोग का यहाँ पे इंटरव्यू में शामिल होना है। देखिए 7 अक्टूबर 2020 को जो है आप सभी लोग यहाँ पे इंटरव्यू में शामिल होंगे और देखिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी लोग को एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिल करें और इंटरव्यू में आप लोग यहाँ पर शामिल हो जाए। और लास्ट डेट आप लोग यहाँ पर याद रखें अप्लाई करने के लिए 30 सितंबर 2020 शाम के 5 बजे तक का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। सिविल सर्जन नारनौल का जो कार्यालय है यहाँ पर जाके आप सभी लोग अपना यहाँ पे आवेदन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो पूरा अपडेट मैंने यहाँ पे कवर किया, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। लाइक कर दें इस वीडियो को, सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएँ सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पर क्लिक कर लें और स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।